भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। गुप्त जगह पर बृजभूषण के समर्थकों की ये बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए बृजभूषण सिंह बड़ा खेल कर सकते हैं, यानी चुनाव से दूर रहकर भी वे इस चुनाव में बड़ी बाजी मार सकते हैं। क्या है आखिर ये पूरा खेल और कैसे हारी बाजी को भी जीत में बदल सकते हैं बृजभूषण, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने WFI चुनाव में अपनी समिति को नामित करने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई है। ये पैनल महासंघ के नए पदाधिकारियों का चुनाव लड़ेगा। बृजभूषण और उनके बेटे करण चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके दामाद विशाल सिंह चुनाव में बिहार के प्रतिनिधि हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि विशाल सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि चुनाव से दूर रहकर भी बृजभूषण यहां बाजी मार सकते हैं। WFI के निवर्तमान सहायक सचिव विनोद तोमर ने खुद पुष्टि की है कि बृजभूषण ने 30 जुलाई को बैठक बुलाई है। हालांकि आयोजन का स्थल क्या होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये तय नहीं है कि बैठक कहाँ होगी। बैठक में संभवतः वे सभी लोग शामिल होंगे जो बृजभूषण सिंह का समर्थन करते हैं। तोमर ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्य संघों के अध्यक्ष और सचिव चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बैठक में आने की संभावना है। बैठक का स्थान अभी तक तय नहीं किया गया है। WFI का चुनाव 12 अगस्त को होना है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो मामला है वो ये है कि क्या बृजभूषण सिंह के जो दामाद हैं वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका पूरा परिणाम होगा। ये इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि खेल मंत्री ने जो दावा जो आश्वासन दिया है पहलवानों को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बृजभूषण या उनका कोई भी परिवार इन अहम पदों पर नहीं बैठेगा। और यही वजह है कि जो चुनाव के लिए जो लिस्ट बना वोटिंग करने वालों की, उनमें बृजभूषण और उनके बेटे का नाम नहीं आया। लेकिन उनके जो दामाद हैं विशाल सिंह, वो जरूर बिहार में प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वो अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे करेंगे, क्या वो दावेदारी पेश करेंगे। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा उसको लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए लाइव UP News 24। नमस्कार।